नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ये जो डाइनिंग टेबल है सुप्रीम का ऑलिव ग्रीन कलर का, बहुत ही बढ़िया डाइनिंग टेबल है और बहुत ही इजी टू यूज एंड इजी टू इंस्टॉल। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने इसे डब्बे से निकाला और इसका जो बैक पोर्शन है ये ऐसा होता है, ये बैक पोर्शन आपका ऐसा रहेगा। इसको सबसे पहले आपको क्या आपने क्या करना है, यहाँ होल्ड करो और इसे ऐसे खींचो। ये जो इसके ग्रुप्स हैं इसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद इसे आप ऐसे कर दो नीचे की तरफ और ऊपर वाले जो है इसे ऊपर की तरफ करें और नीचे वाले को नीचे की तरफ फिल करना है। ये ग्रुप्स का ध्यान रखें दोस्तों, ये वाला जो ग्रुप्स है इसमें ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया, ये नीचे भी वैसे ही करना है, ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया। बस चार या पांच स्टेप है, एक दो तीन चार, ये तो चार स्टेप और शुरू के वो स्लाइड करने वाला। स्लाइड करने वाला आपको अगर फिर से देखना है तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसे आप वापस अगर उसे मोड़ना हो तो फिर से नीचे की तरफ धकेले, नीचे की तरफ धकेले, वो पॉज नीचे भी करना हो तो ऐसे करके ये नीचे, ये स्लाइडर है ठीक है। इस स्लाइडर को आप थोड़ा अच्छे तरीके से इसे होल्ड करके उसके बाद इसे नीचे या ऊपर करना है। ज़्यादा ऐसे वैसे करेंगे तो ये निकल भी सकता है, ये थोड़ा प्रिकॉशन करना है। ये स्लाइड क्या, ये एक आवाज़ सा आएगा ठीक है। अब इसे आप मोड़ना हो तो, ये फोल्ड करना हो तो ऐसा करना है। अब आप इसे ये चार तरफ से ऊपर वाला हो, ये इधर, ये लो, खट 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 खट, चार आवाज़ हो गए, मतलब आपके टेबल इतना इजी स्टेप है दोस्तों। ये देखिए आपका टेबल तैयार है ठीक है दोस्तों। और ये ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि देखने में एकदम सोवर लुक स्टैंडर्ड लुक, ऐसा भी आपको नहीं है। और अगर इसमें ऐसा लग रहा है ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, ये जैसे इसमें ये रेगुलेटर, ये एक रेगुलेटर है, ध्यान से देखिए इसे आप, अगर ऐसा लग रहा है ऊपर नीचे तो इसे आप टाइट कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। चारों पाँव में है, यह एडजस्टर है, इसमें फ्लोर के हिसाब से, किसी का फ्लोर थोड़ा कहीं पर स्लोप ज़्यादा है कहीं नहीं है तो आप इस पाँव के हिसाब से रेगुलेटर के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें दोस्तों में, सब्सक्राइब भी करें सो डैट मैं इससे और अच्छी अच्छी वीडियो और आपके पास बनाकर लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।